नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। प्रत्येक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। स्मार्टफोन में ही हम अपनी सभी जरूरी जानकारी को सेव करके रखते हैं और अब के समय में सारे काम मोबाइल फोन पर ही हो जाया करते हैं। तो ऐसे में मोबाइल की सुरक्षा के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे, जिसके लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग मोबाइल में पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते और बेफिक्र होकर यूज करते हैं। हर व्यक्ति मोबाइल पर लॉक लगाकर नहीं रखता, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। आज की दुनिया में हैकिंग ज्यादा की जा रही है। कोई भी हमारे मोबाइल को आसानी से हैक कर सकता है और हैक करके हमारी पर्सनल जानकारी को प्राप्त कर सकता है, जिससे मोबाइल उसके कंट्रोल में हो जाता है और वह हमारी कोई भी जानकारी चुरा सकता है। तो आइए जानते हैं अपना मोबाइल हैक होने से कैसे बचाएं। अगर आप भी अपने मोबाइल को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला है फोन को अपडेट रखना। फोन को हैक होने से बचाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए फोन को ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। नए अपडेट में बहुत सारे लूप होल बग को फिक्स किया जाता है, जो कि हैकर द्वारा आसानी से ढूंढे नहीं जा सकते। इसीलिए फोन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी हैकर बग की कमियों का फायदा उठाकर फोन को हैक न कर पाए। अगला है फोन को एनक्रिप्ट रखना। यह आपके फोन को सुरक्षित रखने में काफी मदद करता है। एनक्रिप्ट होने से यदि आपका फोन हैक भी हो जाए तो कोई भी व्यक्ति आपके फोन के अंदर की जानकारी को पढ़ नहीं पाएगा। इस फीचर को आईफोन यूजर और एंड्रॉइड यूजर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर से कोई दूसरा व्यक्ति आपके पासवर्ड के बिना आपके फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है फोन का बैकअप बनाए रखना। फोन का बैकअप बनाए रखना चाहिए, इससे आपके महत्वपूर्ण डेटा और फोटो इत्यादि की जानकारी खोने से बच जाएगी। और अगर गलती से भी आपका फोन हैक हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपका इस्तेमाल आप इसे बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट के पासवर्ड को सुरक्षित रखना। एंड्रॉइड एप्स और सोशल मीडिया दोनों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस पर पासवर्ड लगाया जाए, जिससे कि वह सुरक्षित रहे। पासवर्ड से किसी भी अकाउंट और ऐप को सुरक्षित करने पर कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसके पास आपका पासवर्ड न हो। अगर साइबर एक्सपर्ट की माने तो 17, 19 या 21 डिजिट का पासवर्ड रखना चाहिए। ये बहुत ही यूनिक तरह का पासवर्ड होता है, जिससे कि हैक करने में बहुत ही परेशानी होती है और आपका मोबाइल आसानी से हैक नहीं हो पाता। अगला है 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन का प्रयोग। इस फीचर का इस्तेमाल करने पर यदि कोई आपका पासवर्ड पता भी कर लेता है तो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन पर एक OTP आता है, जिसे एंटर करने पर ही आपका अकाउंट ओपन हो पाता है। अगर आपका फोन खो भी जाता है तो आप अपने पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं। अगला है थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से यूजर कहीं से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। एंड्रॉइड यूजर प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना। आजकल वाईफाई का कनेक्शन हर जगह पर मिल जाता है, जिससे बहुत सी जगह पर लगे वाईफाई को आप आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यह शायद ही पता होगा कि जब आप किसी वाईफाई के कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके द्वारा सर्च की गई साइट को वाईफाई का ओनर आसानी से पता कर सकता है। आपके द्वारा एंटर की गई इकोनॉमिक जानकारी को आसानी से हैक कर सकता है। इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट करना, इस तरह का काम आप वाईफाई पर ना करें। अगला है स्पैम लिंक पर क्लिक ना करना। अगर किसी तरह के मैसेज आते हैं, जैसे कि आप लकी ड्रॉ के विनर हैं और आपको इतने रुपए मिल सकते हैं, तो इस तरह के लिंक पर आप क्लिक ना करें। किसी मिलती जुलती नाम वाली वेबसाइट पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड ना डालें। वह फिशिंग पेज भी हो सकता है, जिसमें आप जैसे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका मोबाइल फोन या सिस्टम हैक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मोबाइल फोन हैक के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।